मैं आजब खान हूँ और मेरा काम इस वक्त आर्ट सीन गैलरी में लगा हुआ है। मैंने तमाम पेंटिंग्स आयल पेंटिंग्स की हैं, आयल ऑन कैनवस। और मैं चूँकि डेर इस्माइल खान से मेरा ताल्लुक है और मेरी हमेशा से कोशिश ये रही है कि अपने ही इलाके के सराउंडिंग्स को पेंट किया जाए। और इसकी ख़ास वजह मुझे ये लगती है और जो है भी कि जिस इलाके से आपका ताल्लुक़ हो और जब उस इलाके को आप पेंट करते हैं तो गोया आप अपनी रूह के साथ, अपने जिस्म को तो आपका साथ होता ही है लेकिन आप अपने रूह के साथ भी अपने पेंटिंग्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। सो मैंने अपने ही इलाके को पेंट किया है और आज कराची के अंदर आपके साथ मौजूद हूँ। मेरा नाम शाहिद अली है और ये मेरी फ़र्स्ट एग्जीबिशन है कराची आर्ट सीन पे। और ये जो आपके सामने ये पेंटिंग लगी हुई है, ये लैंडस्केप है और मेरे एक गांव की है। इसमें मेरी बहुत सारी यादें हैं जहां मेरा काफ़ी वक्त गुजरता है और इसी को मैंने पेंट किया है। और ये आप लोगों को भी अट्रैक्ट करने के लिए है। और बाकी ये जितने भी तमाम मेरे लैंडस्केप लगे हुए हैं, ये सारे मेरे अपने आबाई इलाके के हैं। ज़िला कसूर से हूँ मैं और चांगा मांगा का जो इलाका है उसको मैं पेंट करता हूँ। उसकी खूबसूरती को ही मैंने कैनवस पे उतारा है। लैंडस्केप पेंटिंग पाकिस्तान में खालिद इकबाल साहब एक बहुत बड़ा नाम है और उन्होंने एक नज़रिया और थॉट और कलर्स जिस तरह से पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया और उन्होंने अपने काम को, तो उसका शहर हमारे मुल्क में बहुत अच्छा रहा है। आज हम ये शो देख रहे हैं, ये भी एक लिहाज से देखा जाए तो खालिद इकबाल साहब से इंस्पायर होकर शाहिद अली का काम हो या अजब खान का, इन्होंने बहुत कमाल किया है। लेकिन अपने ही इलाके से और अपनी धरती को पेंट करके एक सॉफ्ट पैगाम दुनिया को दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस तरह के काम देखकर इंसान की रूह ताज़ा हो जाती है और अच्छे और ख़ूबसूरत मंज़र देखने के बाद, वैसे ही सुबह सुबह देखें तो बाग बाग हो जाता है दिल।